हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि बेबीज़ होते हैं 1 ईयर तक के जो बेबीज़ हैं उनके लिए प्रोटीन कितना इम्पॉर्टेंट होता है और 0 to 6 मंथ के बेबी के लिए कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है और 6 to 12 मंथ के बेबीज़ के लिए कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। और इसके साथ ही अगर आप, ये भी बात करूंगी इस वीडियो में कि अगर आप अपने बेबी को ज़्यादा प्रोटीन दे रहे हैं तो बेबी को क्या हार्म हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि इस तरह का मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बेबीज़ के लिए प्रोटीन क्यों इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन बेबी की रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। और दूसरा है कि प्रोटीन बेबी की बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको बिल्डअप और उनको रिपेयर करने के लिए बहुत नीडेड रहता है। तीसरा है कि बेबीज़ की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अब बात करेंगे कि कितना प्रोटीन बेबी को रिक्वायर्ड है। तो जो 0 to 6 मंथ के बेबीज़ हैं उनको एक दिन में 9.1 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, जो कि उनको ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क के थ्रू मिल जाता है। और जो 7 to 12 मंथ के बेबी हैं उनको एक दिन में 11 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, जो कि 7 to 9 मंथ के बेबी को आप थोड़ी सी दाल की प्यूरी देते हैं उससे मिल जाएगा। और जो 9 to 12 मंथ के बेबी हैं उनको आप अगर 2 टेबल स्पून कर दे देंगी तो से उनको एक दिन का सफिशियंट प्रोटीन मिल जाएगा। ज़्यादा प्रोटीन आपको बेबी को नहीं देना है। ज़्यादा प्रोटीन से बेबी को कुछ रिस्क भी हो सकते हैं, लाइक बेबी में डिहाइड्रेशन हो सकता है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिस वजह से बेबी की जो बोन्स है वो वीक हो जाए। और प्रोटीन ज़्यादा होने से बेबी की किडनी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। प्रोटीन का कितना अमाउंट देना है ये बात आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके बेबी को किसी फूड से एलर्जी है। तो इस बात का पता लगाने के लिए आप बेबी को जो भी फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसके बाद में नेक्स्ट फूड इंट्रोड्यूस कराने के लिए 3 दिन का टाइम लें। 3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपके बेबी को उस फूड से एलर्जी है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बाद में आप उसे आगे कंटिन्यू करें। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।